धमतरी के नगरी मां सोंढूर नहर लाइनिंग के कार्य में होत भ्रष्टाचार की शिकायत मुख्यमंत्री ले करे जा चुके हैं। एकर बावजूद ग्राम अरसी कन्हार के नहर में बनाए जावत पुल निर्माण में जमके भ्रष्टाचार फिर शुरू हो गए है। ग्रामीण मन आरोप लगाए है कि यहाँ पुराना पुल के नींव दीवार में ही थूक पॉलिश करके नवा रूप दिए जावत है। दोनों निर्माणाधीन पुल में ठेकेदार और उच्च अधिकारी मन द्वारा जमके भ्रष्टाचार करे जावत है। कार्य में बरते जावत भर्राशाही और भ्रष्टाचार लेके ग्रामीण मन में भारी आक्रोश है। ग्रामीण मन के कहना है कि विभाग के ही सेवानिवृत्त कर्मचारी ह पेटी ठेकेदार बन बैठे है, जेन उच्च अधिकारी ले मिली भगत कर कार्य में भर्राशाही काम करवात है। ग्रामीण मन विधायक ल घलो एक गंभीर मामला ले अवगत कराए रही, लेकिन अब तक भ्रष्टाचार थमे के नाम नहीं लेवत है। बताना चाहता हूँ, एक पुल को तो ठीक बनाए थे और अभी दो पुल पर रही ना पूरा भ्रष्टाचार हो रही है। हम दो तीन बार जाके ठेकेदार से भी बात किए और प्रशासन को भी कुछ लेटर वगैरह लिख के दिए हैं विधायक महोदय जी को। वो बोले कि बाद में देखते हैं ऐसा करके, तो बाद में देखने की क्या बात है भी, इतना भ्रष्टाचार हो रही है उसमें थूक पाली जैसा कार्य कर रहे हैं। जो नींव बनी है पुराना ही नींव थी, उसमें बगल से थूक पाली जैसा कार्य कर रहे हैं। जी हाँ, उस वनांचल क्षेत्र में पुल निर्माण कार्य, जो नहर नाली का पुल निर्माण कार्य चल रहा है, जो कि पुल निर्माण कार्य में बहुत सारे भ्रष्टाचार हो रहे, जो कि पुराना स्ट्रक्चर को ही उसमें नया निर्माण किया जा रहा है। तो जब नींव मजबूत नहीं है तो ऊपर का स्ट्रक्चर कितना दिन चलेगा। तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश है और वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हूँ मैं, तो मेरे में भी आक्रोश है और इसका शिकायत मुख्यमंत्री को किया जा चुका है, विधायक को किया जा चुका है, तो पर भी भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और कहीं ना कहीं अगर ऐसी भ्रष्टाचार चलता रहे तो हम ग्रामवासी उग्र हो जाएंगे और आंदोलन पर उतर आएंगे।